हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से साइंस इन्फिनिटी की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे जनरल साइंस को डिस्कस करते हैं, जो कि एसएससी रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अभी हमारा यहाँ पे 600 क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा है, जिसका दोस्तों आज क्लास नंबर 7 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमने आपसे इसके पहले जो वीडियो डाला हुआ था उसमें आपको पूछा था, दो दो सवाल आपसे हमने पूछा था। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ वेव इज सेस्मिक वेव। दोस्तों, हमने आपसे पूछा था जो हमारा सेस्मिक वेव होता है, ठीक है ना, जो कि अर्थक्वेक में आता है, ठीक है ना, या फिर एक्सप्लोजन में आता है, जनरेट होता है ये सेस्मिक वेव, तो ये किस टाइप का वेव है। हमने आपसे पूछा था कि ये इंफ्रासोनिक है या फिर ऑडिबल साउंड है ये, ठीक है, या फिर अल्ट्रासाउंड है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये एक इंफ्रासोनिक है। ठीक है ना दोस्तों, ये एक इंफ्रासोनिक साउंड वेव है। ठीक है, और दोस्तों इसीलिए क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, जो एनिमल्स होते हैं ये पहले ऐसे सुन लेते हैं इन इंफ्रासोनिक वेव्स वेव्स को, ठीक है ना, इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब तो क्या होता है, ये जो इंफ्रासोनिक वेव होता है ये 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है ना, इससे क्या होता है, ये लेस होता है इनका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। फ्यूज इज मेड ऑफ व्हिच अलॉय, ये भी दोस्तों हमने आपसे पूछा था अगले वीडियो में। तो दोस्तों, घरों में जो फ्यूज लगा हुआ होता है, ठीक है ना, जो कि करंट की ओवरफ्लो होने से क्या होता है, वो टूट जाता है, मेल्ट होके वो फ्यूज हो जाता है, ठीक है ना, टूट जाता है, इससे जो हमारे डिवाइसेस है घर में जो लगा हुआ होता है डिवाइसेस वो सेफ रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कौन सी मेटल से बना हुआ होता है ये आपको बताना है, कौन सा एलॉय से ये बना हुआ है। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, ये लेड और टीन से बना हुआ है। ठीक है ना, लेड और टीन का जो एलॉय है इससे ये बना हुआ है, क्या है, फ्यूज। इसमें दोस्तों टीन कितना रहता है, टिन का जो परसेंटेज रहता है वो रहता है 62% रहता है। ठीक है, और जो लीड का कितना रहता है, 38%। ठीक है ना, और दोस्तों ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए। ठीक है, ये कितना है, 183 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और उसका जो रेजिस्टेंस है क्या है, वो हाई है। ठीक है ना, इसलिए क्या होता है, ये जब करंट इसमें ओवरफ्लो होता है तो वह हीट हो जाता है, हीट होकर ये टूट जाता है। ठीक है ना, 183 डिग्री सेल्सियस में ये मेल्ट कर जाता है। दोस्तों अगले सवाल में चलते हैं। व्हिच वेव इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग फर्जरी इन करेंसी नोट्स। दोस्तों जो हमारे करेंसी नोट्स होते हैं, ठीक है ना, तो उनमें दोस्तों फर्जरी को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा वेव को काम में लेते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। वो दोस्तों क्या है, इसका जो आंसर है वो है यूवी रेज को हम काम में लेते हैं। किसका दोस्तों, यूवी रेज। दोस्तों जो हमारा नोट होता है, ठीक है ना, जो हमारा इस तरह का जो करेंसी होता है उनमें दोस्तों कुछ स्ट्रिप्स इस तरह से डाले जाते हैं इनमें, ठीक है ना, जो कि जब आप अल्ट्रा वायलेट रेज को दोस्तों इस पर डालोगे तो दोस्तों क्या करेगा, ये जो दोस्तों है दोस्तों ये ग्लो करने लग जाएगा। ठीक है ना, जो कि अगर कोई डुप्लीकेट नोट होगा तो उसमें दोस्तों नहीं होगा, ऐसा ग्लो नहीं करेगा ये। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसमें यूवी रेज को इस्तेमाल करते हैं इसे डिटेक्ट करने के लिए। अगले सवाल में चलते हैं। इन न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर्स आर यूज्ड टू। दोस्तों जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, ठीक है ना, जिनमें पावर जनरेशन होता है, उनमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मॉडरेटर्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और क्यों करते हैं आपको बताना है। तो हम क्यों दोस्तों इस्तेमाल करते हैं इसे, हम स्लो डाउन करने के लिए दोस्तों, किसको, न्यूट्रॉन्स को। ठीक है ना, जो न्यूट्रॉन का जो दोस्तों जो स्पीड होता है, ठीक है ना, उसकी स्पीड को रिड्यूस करने के लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हुआ दोस्तों पहली बात। दूसरी बात दोस्तों क्या है, ये मॉडरेटर है क्या, ठीक है ना, ये क्या चीज है। दोस्तों हम वाटर को ले सकते हैं एज ए मॉडरेटर, या फिर हैवी वाटर को भी ले सकते हैं D2O, ठीक है ना, मॉडरेटर के लिए, या फिर हम यहाँ पे ग्राफाइट को भी ले सकते हैं
ग्राफाइट, ठीक है, ये भी दोस्तों एक मॉडरेटर की तरह काम कर सकता है, ठीक है ना। इससे दोस्तों क्या होता है, मॉडरेटर के थ्रू दोस्तों एक कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है, ठीक है ना, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है, ठीक है। अगले सवाल में चलते हैं। थ्री वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ohm, 2 ohm एंड 3 ohm रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। दोस्तों ये काफी आसान सा सवाल है, तो यहाँ पे फिर हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये तीनों दोस्तों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल, ठीक है ना, इस तरह से दोस्तों ये पैरेलल होंगे, इस तरह से दोस्तों ये यहाँ पे कनेक्ट होंगे इस तरह से, है ना। ये होगा आपका 1, ये 2 होगा, ये आपका 3 ओम होगा, ठीक है ना। तो हमारा जो जब ये पैरेलल होता है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस से पैरेलल कनेक्शन होते हैं, तो उसका दोस्तों फॉर्मूला क्या है, 1/R eq इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, इन सबको हम इन्वर्स कर देंगे, ठीक है ना। इसके थ्रू क्या होगा, ये 1/1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 प्लस ये दोस्तों क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसे जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये 6 प्लस ये 3 होगा, ये होगा अपना 2 होगा, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे उल्टा कर देंगे, ये हुआ 1/R eq इक्वल टू कितना हुआ, 11/6, तो इसे हम लिखेंगे आर इक्वलेंट इक्वल टू, इसे उल्टा कर देंगे 6/11, ठीक है ना। यूनिट क्या होगा उसका, ओम, इस तरह से, या फिर हम OHM इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, 6/11 ओम आ जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाई इज द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर लैमिनेटेड। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो कोर होता है उसे हम क्या करते हैं, लैमिनेट कर देते हैं, और ऐसे क्यों करते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, मिनिमाइज करने के लिए, क्या दोस्तों, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस दोस्तों कैसे होता है, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एडी करंट्स, ठीक है ना, एडी करंट प्रोड्यूस होने से एनर्जी लॉस होता है, उसको हम मिनिमाइज करते हैं, ठीक है ना। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसका दोस्तों इस तरह से हमारा जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है, इस तरह से कुछ है ना, ट्रांसफार्मर का कोर होता है, बना हुआ होता है इस तरह से। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग होता है, ठीक है ना, प्राइमरी वाइंडिंग होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, ठीक है। और ये जो दोस्तों है, ये पूरा का पूरा ये दोस्तों क्या है, कोर होता है ना, कोर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है, यहाँ से इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उससे यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, सेकेंडरी में ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों प्रिंसिपल होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ जो करंट होता है, ठीक है ना, करंट इस तरह से फ्लो भी कर जाता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं, ठीक है, पर वो होना नहीं चाहिए। तो उसी एडी करंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे लैमिनेट कर देते हैं, ठीक है ना, ये जो कोर है हमारा, इसे हम लैमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए एक सवाल है, ये जो कोर होता है, ठीक है ना, ये जो कोर है, ये कौन से मटेरियल से बना हुआ होता है, कौन सी मटेरियल से ये बना हुआ है, आपको ये कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, आपके लिए एक सवाल। अगले सवाल में चलते हैं। इन ए फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड अपीयर्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा है, जो फिलामेंट लाइट होता है, ठीक है ना, हमारे घरों में, तो उनमें दोस्तों क्या होता है, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पावर होता है, ठीक है, वो कौन सी एनर्जी में कंज्यूम हो जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, ये दोस्तों किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इंफ्रारेड, ठीक है ना, इंफ्रारेड रेज में। दोस्तों जो हमारा घर में जो लाइट बल्ब होता है इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ पे दोस्तों क्या लगा हुआ होता है, फिलामेंट इस तरह से लगा हुआ होता है, ठीक है ना, जो यूजफुल इसका जो पार्ट है यूजफुल, ठीक है ना, वो दोस्तों क्या होता है, विजिबल लाइट होता है, इससे हम काम में लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो लॉस हो जाता है वो दोस्तों क्या लॉस हो जाता है, हीट में, ठीक है, हीट में दोस्तों ये लॉस हो जाता है, और वहीं दोस्तों क्या है, इंफ्रारेड रेज जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, ये लॉस हो जाता है, ठीक है। अगले सवाल में चलते हैं। द एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर इज कॉल्ड। दोस्तों जो कॉलीफ्लावर होता है ना, उसका जो एडिबल पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं, ठीक है ना, कॉलीफ्लावर तो इस तरह से कुछ बना हुआ होता है, व्हाइट कलर सा यहाँ पे रहता है, इसके फूल जैसा, ठीक है ना, उसे हम खाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं,
इनफ्लोरेसेंस, क्या कहते हैं उसे हम, इनफ्लोरेसेंस उसे कहते हैं जिसका वो जिसका एडिबल पार्ट होता है कॉलीफ्लावर का, ठीक है, जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है। अगले सवाल में चलते हैं। क्लोव इज ऑब्टेंड फ्रॉम, दोस्तों जो क्लोव होता है ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, ऐसे हम लवंग कहते हैं, वो कहाँ से ऑब्टेंड किया जाता है एक प्लांट के, ठीक है, एक प्लांट से कहाँ से वो ऑब्टेंड किया जाता है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, फ्लावर बर्ड्स, ठीक है ना, तो ये फ्लावर की बर्ड से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो इसे हम दोस्तों एज ए स्पाइस मसाला इसे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अगले सवाल में चलते हैं। विच क्रॉप इज सोन विद द कमेंसमेंट ऑफ मानसून, दोस्तों वो कौन सा क्रॉप है जिसे बोया जाता है कब, जब मानसून की आगमन होता है, मानसून बारिश की, तो उसे हम कौन सा कल्टीवेशन कहते हैं। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, खरीफ क्रॉप होते हैं वो, क्या होता है, खरीफ होते हैं, ठीक है ना। ये दोस्तों कब होता है, शुरू दोस्तों कब होता है, मई या फिर जून में, ठीक है ना, मई जून में स्टार्ट होके उसका जो हार्वेस्ट होता है, हार्वेस्ट कब होता है वो अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में ये हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। अगले सवाल में चलते हैं। व्हाट इज वर्मी कल्चर, दोस्तों हम वर्मिंग कल्चर किसे कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, वर्मी कल्चर हम कहते हैं किसको, जब हम वर्म का खेती करते हैं, ठीक है ना, आर्टिफिशियल कल्टीवेशन ऑफ वर्म्स, ठीक है, जो कीड़ा होते हैं दोस्तों उनका हम कल्टीवेशन करते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है ना। उसमें दोस्तों मतलब हमारा टारगेट क्या होता है, टारगेट जो होता है क्या होता है कि जो वर्म होता है, ठीक है ना, जो वर्म होता है उनका पॉपुलेशन को बढ़ाना, पॉपुलेशन को दोस्तों क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है, इसके थ्रू ब्रीडिंग के थ्रू, ठीक है, ब्रीडिंग के थ्रू इनका पॉपुलेशन को बढ़ाना है हमें, ठीक है। इसी दोस्तों क्या होगा, हमारा जो सॉयल है, ठीक है ना, सॉयल का दोस्तों जो फर्टिलिटी होता है वो दोस्तों क्या होता है, इंक्रीज होता है सॉयल का फर्टिलिटी, ठीक है। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, द एच आई वी वायरस वीकेंस द इम्यूनिटी ऑफ ए पर्सन बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज, दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा है जो एच आई वी वायरस होता है वो वीक कर देते हैं इम्यूनिटी को एक पर्सन की, तो वो कैसे करते हैं, वो क्या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये आपको बताना है। ये दोस्तों किसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लिम्फोसाइट को, ठीक है ना दोस्तों, ये लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये दोस्तों क्या होता है, दोस्तों जो एच आई वी होता है ठीक है ना, उसका फुल फॉर्म क्या है ये पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं। एच आई वी दोस्तों क्या होता है, ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। इसका मतलब तो क्या होता है, यहाँ पे आप जान सकते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी में ठीक है ना, उसमें दोस्तों कमी आ जाए। ये दोस्तों क्या करता है, दोस्तों हमारे जो बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी जो बढ़ाता है ठीक है ना, वो कौन करता है, डब्ल्यू बी सी करता है, ठीक है ना, व्हाइट ब्लड सेल, ये दोस्तों करता है, ठीक है, और इसी का है दोस्तों एक पार्ट है लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना, इसे दोस्तों क्या कहते हैं हम, और सी डी फोर प्लस टी सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये दोस्तों क्या करता है, हमारा बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है ठीक है ना, इसे ये बरकरार रखता है, और जो आपका एच आई वी वायरस है इसी का दोस्तों क्या करता है, डिस्ट्रॉय करके रिड्यूस कर देता है। इससे क्या होता है, जो हमारा बॉडी होता है वो एच आई वी वायरस से फाइट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम दोस्तों क्या होता है, ये एड्स हो जाता है, ठीक है ना, एड्स हो जाता है, एच आई वी एड्स कर देता है पर्सन को। इससे दोस्तों क्या होता है, इसका दोस्तों क्या होता है, फुल फॉर्म एड्स का, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है ना, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना, ये लास्ट स्टेज होता है एचआईवी का। अगले सवाल में चलते हैं। टूथ स्टार्ट्स टू डीके एट व्हाट पीएच वैल्यू, यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा है जो दांत होते हैं हमारा, ठीक है ना, जो टूथ होता है वो डीके होना स्टार्ट कर देते हैं, उसका पीएच वैल्यू कितने होने के बाद, तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, उसका पीएच वैल्यू 5.5, ठीक है ना, जब ये 5.5 हो जाता है पीएच वैल्यू
टीथ का, तब दोस्तों क्या होता है, जो हमारा टूथ होता है वो डिके होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों कैसे होता है, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं उनमें दोस्तों क्या रहते हैं खाना में, जो हमारा शुगर जो होता है, ठीक है, शुगर और दोस्तों क्या होता है, कोई भी जो फूड का पार्टिकल होता है, ठीक है ना, ये दोस्तों क्या होता है, दांत में हमारा इस तरह से फंस जाते हैं, ठीक है, दांत में हमारा इस तरह से दोस्तों ये फंस जाते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, जो हमारे दांत में जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, जो बैक्टीरियाज होते हैं ये दोस्तों क्या करते हैं, ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं इन्हें दोस्तों ये कन्वर्ट करके दोस्तों डिग्रेड करके क्या कर देते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, एसिड एसिड कर देते हैं, ठीक है। और इसी एसिड का जब पीएच वैल्यू दोस्तों 5.5 हो जाए, ऐसे नीचे भी चला जाए, तब दोस्तों क्या होता है, हमारा जो टूथ का डिके स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगले सवाल में चलते हैं, द बेस व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर कोर। दोस्तों जो बेस होते हैं, ठीक है ना, जो बेस होते हैं उनमें से दोस्तों क्या होते हैं, कुछ जो होते हैं वो वाटर में मतलब सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है, वाटर में दोस्तों वो घुल जाते हैं, ठीक है, तो उन बेस को हम क्या कहते हैं, तो उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, हम अल्कली कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, हम अल्कली कहते हैं, ठीक है। अल्कली दोस्तों वो बेस हैं जो पानी में घुल जाते हैं, ठीक है, और इनका दोस्तों ये जो अल्कली होते हैं इनका जो पीएच होता है ये दोस्तों ज्यादा होता है, किससे, 7 से ये ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों इसका अगर मैं एग्जांपल ले लूं, ये होता है उसका NaOH, KOH और दोस्तों क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना, ये सब दोस्तों क्या होते हैं, अल्कली होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं। अगले सवाल में चलते हैं, व्हाट इज एंजाइम। दोस्तों जो एंजाइम होता है वो कौन सी कैटेगरी में जाते हैं ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्चुअली में क्या होता है, प्रोटीन होते हैं वो, ठीक है, वो प्रोटीन होते हैं। क्या दोस्तों करते हैं ये एंजाइम, दोस्तों क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है ना, स्पीड अप कर देते हैं किसको दोस्तों, जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी में, ठीक है ना, जो बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है उससे दोस्तों क्या करता है, उसका स्पीड इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना, इसका मतलब ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है, एक कैटलिस्ट की तरह ये काम करता है। अगले सवाल में चलते हैं, व्हिच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल। दोस्तों जो हमारा पीरियडिक टेबल होता है उनमें एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपको बताना है कि वो क्या है। तो दोस्तों कौन सा एलिमेंट है, वो है फ्लोरीन, ठीक है ना, फ्लोरीन दोस्तों है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब दोस्तों क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव दोस्तों जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनमें दोस्तों क्या होता है, जो बॉन्ड होता है वो शेयर करके होता है, ठीक है, इस तरह से अगर दो एटम हम इस तरह से लेते हैं तो ये दोनों दोस्तों क्या करते हैं, कुछ एटम को यहाँ से शेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो उन दोनों में से वो जो ये जो शेयरिंग हुआ है यहाँ पे जो एटम, तो इन्हें जो ज्यादा अट्रैक्ट करता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगले सवाल में चलते हैं, द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86 आर कॉल्ड। जो एलिमेंट होता है जिनका दोस्तों क्या होता है एटॉमिक नंबर यहाँ पे 2, 10, 18, 36, 54 और 86 होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो कौन से ग्रुप में जाते हैं, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा आपका इनर्ट गैस, या फिर आप इसे नोबल गैस में कहते हैं हम, है ना, इनका दोस्तों क्या है, जो हमारा नोबल गैस होता है, जैसे कि हमारा होगा हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक से, ठीक है ना दोस्तों, इन सब का दोस्तों क्या होता है, ये उनका एटॉमिक नंबर होते हैं, ठीक है, और ये दोस्तों क्या था, उनका जो आपका जो होता है उसका वैलेंस सेल, ठीक है, जो वैलेंस सेल होता है वो दोस्तों फुल फील्ड होता है, ठीक है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ये डू नॉट रिएक्ट यहाँ पे, ठीक है ना, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, स्टेबल होते हैं ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं ये, और इसे हम और दोस्तों क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप भी कहते हैं, जीरो ग्रुप। ये तो आपका पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप में आता है, ये 18 ग्रुप में आते हैं, ठीक है ना, 18 ग्रुप में ही आते हैं।
अगले सवाल में चलते हैं। द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो, तो जो पोलियो होता है ठीक है ना, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि पोलियो को फैलाता है? वो दोस्तों क्या है, एक वायरस है ठीक है ना, एक दोस्तों वो वायरस है। कौन सा वायरस दोस्तों होता है? वो होता है आपका पोलियो वायरस। वो दोस्तों पोलियो वायरस होता है ठीक है ना। इससे दोस्तों क्या होता है, सबसे जो डेंजर होता है वो दोस्तों क्या होता है, जो ह्यूमन होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं ठीक है ना, पैरालाइज हो जाते हैं ह्यूमन ठीक है। और इसका दोस्तों क्या है, कोई भी क्योर नहीं है अप टू डेट ठीक है ना, इसका कोई भी क्योर नहीं है। पर हम क्या करते हैं, इसे वैक्सीनेशन के थ्रू इसे अवॉइड कर सकते हैं ठीक है ना, इसे रोक सकते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू ठीक है ना। इसलिए हम जो बचपन में हम क्या करते हैं दोस्तों, पोलियो का वैक्सीन लेते हैं। दोस्तों आपके लिए यहाँ पे एक सवाल है, जो पोलियो का वैक्सीन बनता है ठीक है ना, दोस्तों पोलियो का वैक्सीन बनता है उसका दोस्तों नाम क्या है ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ठीक है। अगले सवाल में चलते हैं। द पावर ऑफ ए लेंस इज 5 डॉप्टर इट्स फोकल लेंथ। यहाँ पे दोस्तों आपको दिया हुआ है, पावर दिया गया है, क्या कौन सा पावर दोस्तों, रिफ्लेक्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर दिया गया है कितना, 5 डॉप्टर दिया हुआ है एक लेंस का। तो आपको पूछा है फोकल लेंथ ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, जो पावर है पी लिखते हैं इसे हम, ये हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 5 डॉप्टर लिख दिया ठीक है, जो गिवन डाटा है हमारा ठीक है। फोकल लेंथ दोस्तों क्या होता है, एफ इक्वल दोस्तों क्या होता है 1/5 यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है, ये दोनों उल्टा होता है आपका, p इक्वल टू क्या होता है 1/f ठीक है ना, या फिर आप इस तरह से लिखते हैं तो f इक्वल टू 1/p भी लिख सकते हो ठीक है। सो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/5, ये जो क्या होगा उसका यूनिट मीटर होगा ठीक है ना, इसका यूनिट तो क्या होगा मीटर होगा ठीक है। इसे हम दोस्तों अब क्या करेंगे, सेंटीमीटर में यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसमें कितने मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका क्या, फोकल लेंथ ठीक है ना। यहाँ से जब जब ये यूनिट में आता है, पावर में फोकल लेंथ में आता है, ये मीटर में आता है ठीक है ना, ये आपको याद करना है, ऑप्शन देख कर ही आप यहाँ पे चूज करिए। दोस्तों आज का आखिरी सवाल, रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर टुगेदर मेक विच कलर। दोस्तों जो हमारा रेड कलर होता है, ग्रीन कलर होता है और जो ब्लू कलर होता है ना, इन तीनों को अगर हम मिक्स कर देते हैं, इस तरह से अगर हम यहाँ पे मिक्स कर देते हैं ठीक है ना, रेड ब्लू ग्रीन, तो यहाँ पे जो कलर बनता है तो आपको बताना है ये कौन सा कलर यहाँ पे बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे कौन सा कलर बनता है, व्हाइट ठीक है ना। ये दोनों, ये जो तीनों दोस्तों मिलके क्या बनाते हैं, व्हाइट कलर बनाते हैं। और दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कलर्स भी कहते हैं ठीक है। इन्हीं तीनों कलर्स को इस्तेमाल करके हम और कलर्स बना सकते हैं ठीक है ना। तो दोस्तों ये था आज का 20 सवाल। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ठीक। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपका वहाँ पे लिंक मिल जाएगा ठीक है, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है। और इससे पहले भी दोस्तों हमने 500 क्वेश्चन का एक सीरीज बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप वो भी देख सकते हैं, उसका PDF भी आपको मिल जाएगा ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।